हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की बर्फी। अभी चल रहा है फेस्टिवल सीजन और बर्फी बनाना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको ये मूंग दाल की बर्फी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। मेरा नाम है ललिता और आप देख रहे हैं 7 Star Kitchen। तो चलिए फिर मूंग दाल बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मूंग दाल भिगा दी थी। ये 4 से 5 घंटे मैंने भिगा कर ले ली है। अब जो ये दाल है इसे हमें ग्राइंड कर लेना है और इसे आप ट्राई करिए कि बिना पानी के ग्राइंड करें, और अगर नहीं हो रहा है बिना पानी के ग्राइंड तो 1-2 चम्मच पानी डालकर तब ग्राइंड कर लें। इसे हमें बारीक ग्राइंड करना है, यानी कि इसका हमें एकदम पतला पेस्ट बना लेना है। दाल को हमने पीस लिया है और कुछ इस तरीके का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे भूनेंगे। मूंग दाल को भूनने के लिए हमने यहाँ पर 4 चम्मच घी ले लिया है। मैं यहाँ पर नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने घी थोड़ा कम ही यूज़ किया है। कम घी में भी ये जो हमारा मूंग दाल है आसानी से भुन जाएगा। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हमने जो मूंग दाल पीस कर रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। और अब हम मूंग दाल को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अभी ये इस तरीके से आपको दिखेगा लंपी टाइप का, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इसका जो टेक्सचर होगा वो दानेदार होते जाएगा। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन है तो आप उसमें ही ट्राई करिए कि उसमें ही बनाएं, क्योंकि जो मूंग दाल होती है वह बर्तन से थोड़ी चिपकती भी है, तो नॉनस्टिक पैन में ये बनाना काफ़ी आसान होता है और घी भी इसमें कम लगता है। इसे हम इसी तरीके से चलाते हुए भूनते रहेंगे। इसमें फ्लेम को हमें लो और मीडियम पे ही रखना है। इसे भूनने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय आसानी से लग जाता है। ये देखिए, जैसे जैसे ये भूनता जा रहा है इसकी जो लंपीनेस है वो कम होती जा रही है। ये देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद इसका जो टेक्सचर है कुछ इस तरीके का हो गया है। इसने घी छोड़ना चालू कर दिया, यानी कि ये पक गई है। इसे मैंने लगभग 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप खोया। यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग दाल ली थी, उसी के हिसाब से मैं इसमें 1 कप खोया डाल रही हूँ। इसका रेशियो यही होता है कि आप जितना मूंग दाल लें उतना इसमें खोया डालें, और उतना ही इसमें हमें चीनी भी डालना होगा। खोया डालने के बाद भी इसे हम भूनेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप खांड। ये देसी खांड है, आप इसकी जगह चीनी या फिर पाउडर शुगर डाल सकते हैं। जो देसी खांड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू चीनी या फिर भूरा, इसलिए मैं यहाँ पर देसी खांड का यूज़ कर रही हूँ। चीनी को और खोए को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे 1 कप दूध। दूध की जगह चाहें तो आप पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए, 1 कप दूध डालने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया है। इसे अब हमें जब तक पकाना है जब तक कि ये पैन छोड़ने ना लगे। इसे मैं मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। धीरे धीरे जो ये कंसिस्टेंसी है इसकी गाढ़ी होते जा रही है। आप चाहें तो इस वक्त में इसमें सैफ्रोन डाल सकते हैं। 10 से 12 केसर के धागे आप इसमें डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं इसमें इलायची पाउडर डालने वाली हूँ, इसलिए मैं इसमें अभी केसर नहीं डाल रही हूँ। जैसे ही जमने वाली कंसिस्टेंसी में आएगा फ्लेम को हमें ऑफ़ करना है, और उसके बाद मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी। देखिए, फ्लेम को मैंने अभी भी मीडियम ही रखा हुआ है। अभी जो मैंने इसमें खोया यूज़ किया है ये घर में बनाया हुआ खोया था। आप चाहें तो मार्केट का खोया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी जो फेस्टिवल सीज़न चल रहा है खोया जो मार्केट में मिलता है उसमें काफ़ी मिलावट होती है, इसलिए आप चाहें तो घर में भी बनाकर इसमें डाल सकते हैं। खोया 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो होता है कि जो इंस्टेंट खोया बनकर तैयार हो जाता है, जो कि हम मिल्क पाउडर से बनाते हैं,
और एक खोया होता है जो कि हम दूध को जलाकर बनाते हैं। जो मिल्क पाउडर वाला खोया होता है उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी जो है वो गाढ़ा हो गया है, पहले ये एकदम येलो था और अब इसमें हल्का ब्राउनिश कलर आने लगा है। और ये देखिए इसने अब हल्का हल्का पैन छोड़ना स्टार्ट भी कर दिया है। अब हम इसे लगभग एक दो मिनट और भूनेंगे, उसके बाद ये जो हमारा पेस्ट है यानी कि बर्फ़ी का जो ये हमारा डो है ये रेडी हो जाएगा बर्फ़ी सेट होने के लिए। जब भी हम बर्फ़ी बनाते हैं हर बर्फ़ी में हमें इसी बात का ध्यान रखना होता है कि जब ये मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगे और एक लंप जैसा यानी कि डो जैसा बनने लगे, इसका मतलब है कि जो हमारा ये मिक्सचर है ये जमने के लिए रेडी है। अब यहाँ इस पॉइंट में मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। ये मैंने ऑलरेडी पिसा हुआ इलायची पाउडर लिया है, आप चाहें तो इसमें 4 से 5 इलायची क्रश करके डाल सकते हैं। ये बर्फ़ी बनाना बहुत आसान होता है और लगभग 15 मिनट में ये बनकर तैयार भी हो जाती है। तो इस दिवाली आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए लगभग 2 मिनट और भूनने के बाद अब जो ये मिक्सर है बहुत ही ज़्यादा लंपी हो गया है, यानी कि अब ये परफेक्ट हो गया है जमाने के लिए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इस मिक्सर को अब मैं एक ट्रे में निकाल लूँगी। प्लेट को मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ था, इसमें मैंने बटर पेपर लगा रखा है और उसके ऊपर से घी लगा रखा है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जिस भी प्लेट में इसे जमा रहे हैं उसमें डायरेक्टली घी डालकर भी इस मिक्सर को डाल सकते हैं और जमा सकते हैं। इस मिक्सर को मैंने ट्रे में निकाल लिया है और अब मैं इसे फैला लूँगी। दिवाली पे आप मिठाइयाँ अपने घर में ही बनाएं, एक तो ये हेल्दी होती हैं और ऊपर से इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि आप जो खाना चाहते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। फेस्टिवल सीज़न में ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल होता है, डिमांड इतनी हाई हो जाती है कि मिठाइयों में मिलावट होनी चालू हो जाती है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि 10-15 मिनट अपना इन्वेस्ट करें और अच्छा और हेल्दी खाएं। मिलावट वाला खाना हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही डेंजरस हो सकता है। चम्मच के बैक में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा लिया है और हम इसे इस तरीके से फैलाऊंगी ताकि और अच्छे से लेवल अप हो जाए और स्मूथ हो जाए। आप इस बर्फ़ी की मोटाई अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको चाहिए रख सकते हैं, मीन्स इसकी जो थिकनेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाकर भी इसे सजा सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर पिस्तों से गार्निश करने वाली हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से लेवल अप हो चुका है और अब मैं इस पर कुछ पिस्ते इस तरीके से रैंडमली बिखरा दे रही हूँ। और इन पिस्तों को अब हम हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे। और अब इस बर्फ़ी को हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर सकते हैं, लेकिन आप पहले इसे थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दें ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद इसे आप फ्रिज में रखें, या तो आप इसे बाहर भी इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। ये जम जाएगी, सेट हो जाएगी, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। ये देखिए जो बर्फ़ी है वो ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर बटर पेपर इस्तेमाल किया था ये बहुत ही आसानी से ट्रे से बाहर आ चुकी है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। इस तरीके से पहले इसमें मार्क लगा लें। आप किसी भी शेप में इस बर्फ़ी को काट सकते हैं, आप चाहें तो इसे रेक्टेंगल शेप में काट सकते हैं, स्क्वायर शेप में काट सकते हैं, जैसी भी शेप आपको बर्फ़ी की पसंद है आप वो शेप इसकी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मूंग दाल बर्फ़ी बनकर तैयार है। ये बन भी बहुत जल्दी गई है।
आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करें, और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें।